शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा मां शिव महापुराण शिव महापुराण शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। कार्तवीर के पुत्र अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का संकल्प करके जमदग्नि आश्रम पहुंचते हैं तथा यज्ञकर्ता जमदग्नि का मस्तक काटकर अपने साथ ले जाते हैं। परशुराम का उद्दीपित क्रोध उन्हें पुनः कार्तवीर के पुत्रों के पास ले जाता है। एक ही बार में वे सभी कार्तवीर पुत्रों को अपने परशु से यमलोक पहुंचाकर अपने पिता का कटा हुआ सिर लिए पुनः आश्रम लौटते हैं। अपने प्रिय शिष्य की पुकार सुनकर भोलेनाथ तुरंत जमदग्नि आश्रम पहुंचते हैं और यज्ञकर्ता जमदग्नि को निर्दोष घोषित करके उनका कटा हुआ मस्तक पुनः धड़ से जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित करते हैं। युगों के पश्चात परशुराम की योग समाधि भंग होती है तथा वे अपने गुरु शिव शंकर के दर्शन की कामना लिए कैलाश की ओर चल पड़ते हैं। कैलाश पर माता पिता की आज्ञा से गणेश अवांछित व्यक्तियों को रोकने के लिए प्रवेश द्वार पर खड़े थे। एक अपरिचित साधु को हाथ में परशु लिए अंदर जाते देखकर गजानन उन्हें रोकते हैं। परशुराम का क्रोध इस प्रवेश बाधा से जाग उठता है। क्रुद्ध परशुराम गणेश पर अपना परशु फेंकते हैं जिससे गणेश का एक दांत टूट जाता है। देखते ही देखते गजानन गणेश एक दंत गणेश बन जाते हैं। उत्पात का अवश्य अंत होगा। आइए विघ्नेश्वर। वो देखो कहाँ दूसरा कौन है? सावधान विघ्नेश्वर सावधान।
ये क्या, मेरा पांव धरती में धस गया? यही तो कष्ट है विघ्नेश्वर, उस मूषक ने सारे आश्रम को भीतर ही भीतर चकोट डाला है, सारे आश्रम की छवि को नष्ट कर दिया है। हमारा तो जीना दूभर हो गया विघ्नेश्वर। समझ गया। प्रणाम स्वामी। प्रणाम। देवी वत्सला। आज्ञा स्वामी। शिव पुत्र विघ्नेश्वर, गणेश को प्रणाम करो। प्रणाम विघ्नेश्वर। प्रणाम। धन्य भाग्य हमारे जो पार्वती नंदन श्री गणेश हमारे आश्रम में पधारे हैं। माता, मैं तो पुत्र के समान हूँ, कोई माता अपने पुत्र को प्रणाम नहीं करती, आशीर्वाद देती है। मुझे आशीर्वाद दीजिए माता। देखिए शिव पुत्र, इस भयंकर मूषक ने हमारे आश्रम की कैसी दुर्दशा कर डाली है। हम शांत आश्रम वासियों के जीवन में इस उत्पाती मूषक ने हलचल मचा दी है। हम त्रस्त हो गए हैं श्री गणेश। सब ठीक हो जाएगा माता। आपने देखा विघ्नेश्वर, हमें किस प्रकार ये मूषक सता रहा है। इस मूषक के उपद्रव से आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। अभी बताता हूं तुझे। अब भाग कर कहां जाएगा। आजा, आजा दुष्ट, निकल निकल बाहर, निकल बाहर। बहुत उत्पात मचा रहा था। निकल बाहर। दुष्ट मूषक, तूने ऋषिवर तथा ऋषि पत्नी के साथ साथ आश्रम वासियों को बहुत कष्ट दिया। मैं तेरा वध करके इनका कष्ट सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। नहीं गणेश, नहीं, इसकी हत्या न कीजिए। इसने तो वही किया है जो इसका स्वभाव है। इस पावन आश्रम में आने वाला हर प्राणी हमारे लिए संतान के समान है। यह कोई साधारण मूषक नहीं है माता, यह कोई दैत्य है। परंतु यह जीव है, प्राणी है। हमारे पावन आश्रम में हम जीव हत्या किस प्रकार देख सकते हैं। हमारे कारण यदि इसकी हत्या होगी तो हम पाप के भागी होंगे। इसे प्राणदान दीजिए विघ्नेश्वर। माता वत्सला, धन्य है आपका नारी हृदय। आप अपने शत्रु पर भी दया भाव रखती हैं। किंतु मैं इस उत्पाती को दंड अवश्य दूंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं। दुष्ट मूषक, बोल
मैं तुझे दंड दूं अथवा जीवन भर के लिए बंदी बना लूं। मरने में भी मेरा लाभ है, जीने में भी मेरा लाभ है गजानन। अब जो भी आप उचित समझे गौरी नंदन। अर्थात मैं आपके स्पर्श मात्र से मूषक योनि से मुक्त हो गया। मुझे अपना पूर्व जीवन स्मरण आ गया प्रभु। मैं क्रौंच नामक गंधर्व हूं, शापित होकर अब तक मूषक योनि में पड़ा था। तुम्हें किसने शाप दिया था? क्यों शाप दिया था? इंद्र सभा से निकलते समय मेरा पांव वामदेव से टकरा गया। उन्होंने मुझे शाप दिया, तू भूलोक जाकर मूषक बन जा। मैंने उनसे शाप वापस लेने की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, जाओ, शिव पार्वती के पुत्र गणेश द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। अच्छा, इसलिए मैं ऋषि आश्रम में उत्पात मचाने लगा ताकि आपके हाथों शीघ्र मेरा उद्धार हो। बहुत चतुर हो मूषक। विघ्नेश्वर गणेश, आपके आगमन से इस शापित मूषक का उद्धार हो गया। हम धन्य हुए विघ्नेश्वर। परंतु गंधर्वराज, अब पुनः मूषक बनना पड़ेगा। श्री गणेश, क्या शाप अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा? ऋषि शाप से तुम मुक्त हो गए गंधर्वराज, किंतु मेरे मन के मोह से मुक्त नहीं हो सकते। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा विघ्नेश्वर। मेरा पेट भारी होने के कारण चलने में कठिनाई होती है। मैं चाहता हूँ ये गंधर्वराज मूषक बनकर मेरा वाहन बने। ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है प्रभु। मैं ये सम्मान पाकर धन्य हुआ। अब मैं स्वर्ग लोक नहीं जाऊंगा, मैं सदा सदा के लिए आपका वाहन बनकर रहूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो गंधर्वराज? देवी, पूजनियों के पूज्य सर्व पूजनीय श्री गणेश को अपनी पीठ पर बैठाकर गंधर्वराज मूषक बनकर अपना जीवन सार्थक बनाएंगे। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। अब मुझे आज्ञा दीजिए ऋषिवर। मूषक वाहन श्री गणेश की। मूषक वाहन श्री गणेश की। मूषक वाहन श्री गणेश की। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। नंदीश्वर, तुम्हारी माता कहाँ है? वो अपने कक्ष में चिंतित बैठी हैं। मैंने यहाँ आने का निवेदन किया तो क्या कहा उन्होंने? माता बोली, तुम जाओ, मैं आती हूँ। परंतु प्रभु, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो गणेश के लिए चिंतित हैं। नंदीश्वर, एक माता होने के नाते उनका चिंतित होना स्वाभाविक है। परंतु प्रभु, पराशर ऋषि ने उस उत्पादी महाबली मूषक के विषय में जैसा कहा है, उससे ऐसा लगता है कि गणेश का उसे वश में करना सरल नहीं होगा। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान हर हर महादेव। जय शिव शंकर। कैलाश पर आपका स्वागत है मुनिवर नारद।
आप सदा ही उचित समय पर पधारते हैं। प्रभु, जब जब आपका स्मरण करता हूं आपके दर्शन की इच्छा जाग जाती है, परंतु आज क्या मुनिवर? आज तो आपने मेरा स्मरण किया, मैं दौड़ा चला आया। नारद, प्रणाम माती। मैं इस समय यही सोच रहा था कि आप भगवान महेश्वर के वाम भाग में विराजित क्यों नहीं हैं? नारद, तुम्हारे इसी प्रश्न का समाधान करने के लिए देवी पार्वती अपने कक्ष से यहां पधारी हैं। नारायण नारायण। माती, मेरे प्रणाम का आपने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? क्या मुझसे रुष्ट हैं आप? नहीं नारद, मैं भला तुमसे रुष्ट क्यों होने लगी? माती, कोई ना कोई बात तो अवश्य है, मुझ पर ना सही, किसी ना किसी पर तो अप्रसन्न आप अवश्य हैं। उसकी ओर से मैं आपको प्रसन्न करने का कोई उपाय कर सकता हूं? नारद, देवी की चिंता का कारण मैं तुम्हें बताता हूं। हर हर महादेव। प्रभु, आपके होते हुए माता को अप्रसन्न होने की क्या आवश्यकता है? नारद, माता माता ही होती है, पुत्र के विषय में उसे सदा चिंता लगी रहती है। बात यह है नारद कि मैंने एक उपद्रवी मूषक के उत्पात का शमन करने के लिए पुत्र गणेश को पराशर ऋषि के साथ भेज दिया है। तब से ही ये नारद, मैं सोच रही हूं गणेश अकेला उस उपद्रवी मूषक को कैसे वश में कर पाएगा। मुझे लगता है पराशर ऋषि को सताने वाला वो मूषक कोई साधारण मूषक नहीं होगा। नारायण नारायण। माते, गणेश की शक्ति को कम क्यों आंक रही हैं आप? देव हो या दैत्य, यक्ष हो या राक्षस, गणेश की शक्ति के सामने उसे झुकना ही होगा। आप ये क्यों भूल जाती हैं माते, उन्हें भगवान शिव की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त है। जिन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है वो दैत्य तो क्या देवराज इंद्र को भी झुका सकता है। क्या आपने भृगुपुत्र चवन ऋषि की कथा नहीं सुनी? मुनिवर नारद, आज मैंने आपको इसलिए स्मरण किया है कि आप समस्त शिवगणों तथा देवी पार्वती को चवन ऋषि की कथा सुनाएं। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी कृपा से चवन ऋषि के जीवन में कई चमत्कार हुए हैं। मुनिवर, चवन ऋषि की तपस्या तथा भक्ति की कथा सुनने के पश्चात देवी पार्वती का भ्रम अवश्य दूर हो जाएगा। माते, चवन ऋषि के जीवन की महत्वपूर्ण घटना राजा शय्याति की पुत्री सुकन्या के वन विहार से प्रारंभ हुई। लाडली, मैं तो चिंतित हो गई थी कहीं वन में भटक कर किसी संकट में ना पड़ गई हो। अकेली कहाँ चली गई थी राजकुमारी, हमें विहार में लाकर स्वयं कहाँ खो गई थी। सखियों, सचमुच अद्भुत है यहाँ का वन सौंदर्य, देखोगी तो चकित हो जाओगी। परंतु तुम तो अकेली ही निकल गई, हमें अवसर ही कहाँ दिया वन सौंदर्य निहारने का। तुम विहार की बातें कर रही हो, वहाँ महाराज तथा महारानी तुम्हारे लिए चिंतित हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कहीं कोई राजकुमार हरण करके तो नहीं ले गया है। क्यों सखी, चुप क्यों हो गई? अवश्य कोई बात है। <नहीं। laughs>
माँ, ऐसा लग रहा है कि आप हमारे लिए चिंतित हो रही थी। महाराज शर्याति की पुत्री सुकन्या एक क्षत्रिय कन्या है। मैं अकेले ही बड़े से बड़े संकट का सामना कर सकती हूँ। हम जानते हैं पुत्री, हमें चिंता नहीं। आश्चर्य हो रहा था कि विहार के लिए हमें यहाँ लाकर तुम गई कहाँ। महाराज की जय हो। अब हमें वन विहार के लिए आज्ञा दीजिए। जाओ, परंतु ध्यान रहे, दूर न निकल जाना। सूर्यास्त से पहले हमें राजभवन लौट जाना है। जो आज्ञा माताश्री, पिताश्री। चलो सखियों, चलो चलते हैं। महाराज, अब हमारी सुकन्या विवाह की योग्य हो गई है। हमें इसके लिए महारानी, उसके लिए हमें उत्तम वर की क्या कमी है। हमारी रूपमती सुकन्या के लिए उत्तम से उत्तम